हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेलकम टू आर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड हियर वी आर गोइंग टू लर्न आर चैप्टर आर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम आर बुक इज सॉरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। सो वी हैव कंप्लीटेड आर फर्स्ट वीडियो। इन दैट वीडियो वी लर्न द समरी, सम ऑफ द वर्ड मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। दिस इज द लेक्चर टू, दिस इज द पार्ट टू ऑफ आर चैप्टर फर्स्ट। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर and which are textual as well as the extra question answer. So here starts the question answer. The first question is, what kind of a person do you think is the narrator veterinary surgeon? Kis tarah ka person hai hamara veterinary surgeon? Theek hai, would you say he is tactful as well as full of common sense? Aap kya kahoge ki kya wo tactful hai, uske andar common sense hai, uske mein itni tactics hai ki wo kisi ko bhi theek kar sake? तो हमारे हिसाब से जो वेटनरी डॉक्टर है वो बड़ा ही कम्पैशनेट है, अपने काम को पूरी तरह से समर्पित है और एक ऑनेस्ट मैन है। क्यों? क्योंकि बिना वजह वो ट्रिकी को ऑपरेट नहीं करता है, बिना वजह वो ट्रिकी का ऑपरेशन नहीं करता है। वो हालांकि चाहता है कि ट्रिकी घर पे ठीक हो जाए। दैट्स वाई ही गोज आउट ऑफ द वे टू गाइड मिसिज पम्फ्रे दैट शी शुड स्टार्ट कीपिंग अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन ट्रिकीज हाइट। इसीलिए वो मिसिज पम्फ्रे को क्या करता है, एक स्ट्रिक्ट उसको वार्निंग देता है कि आपको ट्रिकी के डाइट पे ध्यान देना है, ठीक है, उसका एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाना है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। इसीलिए डॉक्टर बड़ा टैक्टफुल है, वो क्या करता है, समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसीलिए वो अब सलाह देता है मिसिज पम्फ्रे को कि अब तो ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेके ही जाना पड़ेगा। उसकी कॉमन सेंस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक सिंपल सा फैक्ट है, उसने क्या किया है, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी है ट्रिकी को, उसने सिर्फ उसकी खाने की आदतों को बदला है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाया है जिससे उसकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो अब सोल्व होने जा रही है। ही डिड नॉट अननेसेसरली पुट हिम ऑन मेडिसिन, बिना वजह कोई दवाई नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो टैक्टफुल भी है और वो कॉमन सेंस वाला डॉक्टर भी है। आपको क्या लगता है कि ट्रिकी हैप्पी है घर जा करके? दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? हाँ, ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश है अपने घर जाके, हालांकि सर्जरी में भी वो खुश है। He was happy staying in the surgery because he got many friends which he did not have at home. ठीक है, सर्जरी में भी वो खुश है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड बन चुके हैं जबकि घर पे उसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन घर जाके वो और भी ज़्यादा खुश है। वो और भी ज़्यादा खुश क्यों है? बिकॉज ही डिड नॉट हैव द लेविश लाइफ स्टाइल एट द सर्जरी। सर्जरी में वो लेविश, वो शाही उसका लाइफ स्टाइल नहीं है। उसकी एक्साइटमेंट, उसके घर जाने की एक्साइटमेंट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ही वो अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, अपनी मालकिन को देखता है, वो झट से कार में जाके बैठ जाता है, वो उसको लीकिंग करता है, उसकी फेस को चाटने लगता है, इधर उधर एक्साइटमेंट में मंडराने लगता है। ठीक है, अब हमारे जो रीडर हैं वो बोलते हैं कि हमें लगता है अब तो सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मिसिज पम्फ्रे पहले कभी ध्यान नहीं देती थी मिस्टर हैरियट की एडवाइस पे, ठीक है, लेकिन अब वो सीरियसली उस एडवाइस को लेगी क्योंकि टर्की को अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है और वो नहीं चाहते कि टर्की फिर से हॉस्पिटल में जाए। बेटा, इसके लिए हम अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं कि वी थिंक दैट द सिचुएशन विल रिमेन द सेम। मिसिज पम्फ्रे विल नॉट पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज पार्ट बट शी विल मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स द डाइट प्लान ऑफ द डॉग। शी विल गिव हिम मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट फूड एंड इन दिस वे वंस मोर ही वुड बी सो मच ह्यूजली फैट एंड वंस मोर ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, सो इन दिस वे सिचुएशन विल नॉट जस्ट बी गुड इन द कमिंग टाइम। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे ट्रीट करोगे सिचुएशन को, ठीक है, कि ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आप पे डिपेंड करना है। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ इंसिडेंट? क्या लगता है, रियल लाइफ एपिसोड है ये, सच वाली बात है या फिर केवल एक कल्पना है, या फिर दोनों ही बातें हो सकती हैं? तो हमारे हिसाब से द स्टोरी इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर है। कुछ तो इसमें नकलीपन भी है, कुछ असलीपन भी है। बिकॉज इट्स नॉट द न्यू थिंग दैट रिच पीपल ओवर फीड देयर डॉग एंड मेंटेन एक्सेसिव वार्डरोब्स फॉर देयर पेट्स। ठीक है, ये तो सही बात है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपने कुत्तों पे, कुत्तों भी अपने पेट्स पे करते ही हैं। ठीक है, वार्डरोब एक पूरी अलमारी होती है उनके लिए, न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं उनको, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट उनके पास कॉस्टली आइटम्स भी होते हैं अपने पेट्स के लिए। बट फॉर अ डॉक्टर टू गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प अनदर पर्सन हु डजंट वॉन्ट हिज एडवाइस इज अनयूजल। लेकिन इस तरह का कोई डॉक्टर मिलना जो कि बिना किसी मतलब के ही मदद करता रहता है दूसरों की, ठीक है, जबकि दूसरा इंसान उसकी एडवाइस को मानता ही नहीं है फिर भी उसको एडवाइस देता रहता है, ऐसा डॉक्टर मिलना मुश्किल है। अ डॉक्टर बींग सो ऑनेस्ट
दैट ही डजेंट रॉन्गली ट्रीट द डॉग. लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर दिखाया गया है वो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है कि वो बिना वजह से डॉग का ट्रीटमेंट नहीं करता, गलत ट्रीटमेंट नहीं करता है. इंस्टेड जस्ट वर्क ऑन हिम बाई कीपिंग हिम इन हिज सर्जरी. वो क्या करता है, अपनी सर्जरी में रखता है, ठीक है, एंड ट्रिक इज एंड ट्रैक्स हिज हेल्थ बाई फीडिंग हिम लेस. और उसकी हेल्थ को ट्रैक पे ले आता है. कैसे, उसको थोड़ा खाना दे करके, उसकी रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल को मेंटेन करके, ठीक है. ये बात हमें हजम नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर क्या चाहता है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा बेनिफिट हो. और इस बेनिफिट के लिए वो क्या करता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब फेक में भी लिख देता है कि मेडिसिन चाहिए, इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है, इस तरह से. लेकिन ऐसा इस कहानी में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डॉक्टर है वो एक फिक्शन है, ठीक है. बाकी तो सब रियल लग रहा है, लेकिन जो डॉक्टर का पार्ट है वो हमें फिक्शन लग रहा है. तो आगे देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें कहता है, व्हाई इज मिसेज पॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. मिसेज पॉम्फ्रे ट्रिकी के लिए क्यों चिंता करती है. सो मिसेज पॉम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी एज ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. क्यों, उसने खाना बंद कर दिया है. नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, ही इवन डिनाइड टू टेक हिज फेवरेट डिशेज, ही डिनाइड टू टेक द चॉकलेट क्रीम केक्स. कुछ नहीं खा रहा है वो. ट्रिकी वॉज वोमिटिंग, हर समय उल्टी करता रहता है. एंड लाइक डाउन ऑन द रग पेंटिंग, एक कंबल पे हाफता हुआ लेटा रहता है. हिज आईज वर ब्लड शॉट, ठीक है, एंड अ रूमी ऑलवेज डिस्चार्जिंग फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से पानी बहता रहता है. ही डिड नॉट इवन वॉन्ट टू गो आउट फॉर वॉक्स और एनीथिंग. वो अब कुछ भी नहीं करना चाहता, ना वॉक के लिए जाता है, ना वो कुछ भी करता है. कौन, ट्रिकी नाम का जो हमारा डॉग है वो. इसीलिए मिसिज पॉम्फ्रे को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है. व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो क्या करती है उसकी हेल्थ को बनाने के लिए. मिसेज जो पॉम्फ्रे है वो क्या करती है, ठीक है, इज शी वाइज इन दिस, क्या वो ऐसा करके बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बन रही है. शी कॉल्स द डॉक्टर टू सी हिम, वो क्या करती है, उस कुत्ते को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाती है. एज ही वॉज अनवेल, क्यों, क्योंकि ट्रिकी अनवेल, ठीक नहीं है. यस शी वॉज वॉइस इन दिस टाइम एज अर्लियर, तो इस बार तो वो बुद्धिमान है, क्योंकि इस बार उसने कुछ खुद से नहीं किया बल्कि डॉक्टर की सलाह लेना चाहती है. शी वॉज एक्टिंग फुलिशली, ठीक है, पहले वो क्या करती है, बड़ी ही मूर्खता वाले काम करती है. बाई ओवर फीडिंग डॉग, कि उसने कुत्ते को ज़्यादा खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया. द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ट्रिकी नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज, डॉक्टर बताता है कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा. शी वॉज क्राइंग ओवर इट, इस पर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है. बट लेटर एक्सेप्टेड दैट शी नीडेड टू लिसन टू द डॉक्टर, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेती है, क्या उसे डॉक्टर की बात सुननी ही चाहिए. इस कहानी में आई कौन है, हमें पता है आई हमारा नरेटर है, वेटरनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरियट है, ठीक है. ये सभी एक ही इंसान है, मिस्टर हैरियट वेटरनरी डॉक्टर और हमारा नरेटर. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, उतना ही अमीर है. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द नरेटर, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज मिसेज पॉम्फ्रे, इतना अमीर नहीं है वो मिसेज पॉम्फ्रे जितना. क्यों, क्योंकि मिस्टर हैरियट इज एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद अ बॉक्स बेड, ठीक है. वेयर एज इन मिसेज पॉम्फ्रेज हाउस ही हैज हिज ओन बेड, डिफरेंट बॉल्स टू ईट एंड सर्वेंट्स एट हिज डिस्पोजल. वो कहता है कि सिर्फ उसके पास तो एक डिब्बे हैं कुत्तों को सुलाने के लिए, लेकिन मिसेज पॉम्फ्रे के घर में तो उसके खुद के बिस्तर होते थे कुत्ते के, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट बॉल थे खाना खाने के लिए, बहुत सारे नौकर थे उस कुत्ते को संभालने के लिए. देन ट्रिकीज मिस्ट्रेस यूज टू सेंड टू डजन एग्स, फिर ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने क्या किया कि दो दो दर्जन एग भेजती थी, वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी हर दिन, ठीक है, ट्रिकी की रिकवरी के लिए. Towards the end of the chapter, Tricky's mistress metal, black metal, ठीक है, sorry, Tricky's mistress comes in 30 feet of gleaming black metal, which is obviously a luxury car. वो कहते हैं कि एंड में भी हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ज़्यादा अमीर औरत थी. कैसे, कि वो 30 फीट की काली चमचमाती हुई कार में बैठ के आती है, जो कि मस्ट भी एक लग्जरियस कार होगी. सो इट कैन बी सीन दैट Tricky's mistress used to live a very luxurious life इन कंपेरिजन टू द नरेटर. तो हम देख सकते हैं कि मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीती है, जबकि हमारा जो नरेटर है वो क्या है, थोड़ा सा गरीब ही है उसके कंपेरिजन में. अब हमें बताओ कि डॉग जो हमारा डॉक्टर है वो ट्रिकी को कैसे ट्रीट करता है. ही ट्रीट्स द डॉग वेरी वेल, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है. ही नोज दैट ट्रिकी डज नॉट नीड मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको पता है कि ट्रिकी को मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. बट रिक्वायर्स अ चेंज इन हिज लाइफ स्टाइल, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल में ही थोड़ा सा चेंज होना चाहिए. ही गिव्स हिम ओनली वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक सिर्फ उसको पानी देता है. एंड देन ही सीज दैट ट्रिकी हैज स्टार्टेड लेकिन द एम्प्टी फूड बोल्स, फिर उसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा कि हाँ अब उसने खाली कटोरों को चाटना शुरू कर दिया है, ठीक है, दूसरे कुत्तों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है.
फिर वो उसको थोड़ा सा खाना देना स्टार्ट करते हैं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको कुछ दिन के बाद मतलब क्या करता है, उसके घर भेजना, उसके घर भेजने का प्रोग्राम बनाता है, उसके मिस्ट्रेस को इन्फॉर्म कर देता है, वो अपने घर चला जाता है, ठीक है। व्हाई इज इट टेम्प्टेड टू कीप टर्की टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। जब हॉस्पिटल में टर्की होता है तो उसको परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं सारे हॉस्पिटल वाले? अब देखिए क्यों। बिकॉज मिसिज पम्फ्रे वॉन्ट्स टर्की टू रिकवर क्विकली। मिसिज पम्फ्रे चाहती थी कि कुत्ते को जल्दी से रिकवर कराएं। सो शी यूज टू सेंड 2 डजन एग्स। इसीलिए रोजाना 2 दर्जन अंडे भेजना, वाइन की बॉटल भेजना, ब्रांडी भेजना, इसको रोज का काम बन गया था। मिस्टर हैरियट न्यू दैट देयर वाज नो नीड ऑफ गिविंग ट्रिकी ऑल दैट। मिस्टर हैरियट को पता था कि कुत्ते को ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ही यूज टू ईट द एक्स्ट्रा एग्स एंड ड्रिंक द वाइन विद हिज पार्टनर। इसीलिए अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा अंडे और वो वाइन वगैरह पीता रहता था। विद ऑल दैट फूड एंड ड्रिंक्स कमिंग इन, जितना वो फूड और ड्रिंक आ रहे थे, मिस्टर हैरियट और उसका जो स्टाफ था बड़ा खुश था। और इसीलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी को हम क्या बनाएं, एक परमानेंट अपना गेस्ट बना लें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे को क्यों लगता है कि जो कुत्ते की रिकवरी हुई है वो सर्जरी की ही जीत है? ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में ही, 15 दिन में पूरी तरह से कवर हो चुका है, वो रिकवर हो चुका है। अपॉन सीइंग मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी रेन टुवर्ड्स हर, उसको देख करके कुत्ता जो है मिसेस पम्फ्रे की तरफ दौड़ता है, उसकी तरफ छलांग लगाता है, उसका फेस चाटना शुरू कर देता है। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई अपनी ट्रिकी को ठीक ठाक देख करके कि उसने उसने धन्यवाद के तौर पे ये तक कह डाला कि ये सब आपकी सर्जरी की ही जीत है, आपने जो ऑपरेशन किया है ये उसी से हुआ है, आप वास्तव में ही काबिल डॉक्टर हो, ठीक है। लेकिन हमें तो एक्चुअली पता है ना कि ये सर्जरी नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, टैक्टफुल और कॉमन सेंस के डॉक्टर की, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स, एक्चुअली बेटा दिस इज नॉट फॉर द राइटिंग, मैं आपको लिखने नहीं है टॉक्स अबाउट वाली, सिर्फ आपको क्या करना है इसको पढ़ लेना है ताकि आपके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वूमेन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली। तो ये जो कहानी हमें एक मूर्ख मूर्खता भरे बिहेवियर की बात बताती है, जो कि एक रिच लेडी है उसके बारे में, ठीक है, जो मूर्खता भरा अपना व्यवहार दिखाती है, शायद शायद वो अकेली रहती है इसीलिए। डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली? आपको क्या लगता है ऐसे लोग मूर्ख ही होते हैं? और कैन देयर एक्शन कॉज हार्म टू अदर्स, या फिर उनके कारण किसी और को हानि हो सकती है? देखिए दिस एपिसोड एक्चुअली डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर, सही बात है, किसी का मूर्खता भरा बिहेवियर दिखा रहा है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रिच वूमेन का है जो कि बड़ी मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? अरे कुत्ता भाई सबको पता है ओवर फीडिंग करा रही है इसलिए मोटा हो गया, इसीलिए उसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी और ज्यादा फीड करा रही है उसको, है ना। दिस में भी बिकॉज ऑफ अर लोनलीनेस, ये हो सकता है कि इतने ज्यादा वो कुत्ते को अहमियत दे रही है क्योंकि वो अकेली रहती है। दे आर इग्नोरेंट अबाउट रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, उसको नहीं पता कि तेरे इन फुलिश एक्ट का क्या रिजल्ट निकलेगा। दे शो देयर एक्सेसिव लोन एंड सॉरी लव है यहाँ पे एन अफेक्शन फॉर समवन विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। वो बहुत ज्यादा मात्रा में अपना लव अफेक्शन दिखाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं जानते। देर इज नो डाउट दैट देयर इंटेंशंस आर गुड, ये तो सही बात है कि इंटेंशन तो बुरी नहीं होती है ना, एंड डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इविल, ना कोई बुरी भावना होती है, बट दे आर नॉट अवेयर देयर एक्शन कैन कोज हार्म टू अदर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके एक्शन से किसी और को भी हानि हो सकती है। डू यू थिंक देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेज पम्फ्रे? क्या मिसेज पम्फ्रे जैसे भी पेरेंट्स होते हैं क्या? यस यस, मिसेज पम्फ्रे जैसे पेरेंट्स बिल्कुल होते हैं। हु आर टू मच पॉजिटिव अबाउट देयर किड्स, अपने बच्चों को लेके जो हद से ज़्यादा पॉजिटिव हद से ज़्यादा चिंता करते हैं। सेंस ऑफ ओवर इंटेलिजेंस कैन गो इन ईदर वे, उसका दूसरा परिणाम भी हो सकता है, जो वो जरूरत से ज़्यादा परवाह करते हैं, ओवर इंटेलिजेंस दिखाते हैं, दूसरा परिणाम भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से देयर आर एग्जाम्पल ऑफ द पेरेंट्स स्पॉइलिंग देयर चाइल्ड बाई मीटिंग ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड, और इस तरह से अपने बच्चे के फ्यूचर को भी बर्बाद कर देते हैं कुछ पेरेंट्स कि हर बार उनकी बातों को उनकी डिमांड को मान लेते हैं। इसके दूसरी तरफ कुछ ऐसे एग्जांपल भी हमारे पास स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के, हु पुट अननेसेसरी प्रेशर, जो अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं अपने बच्चों की स्टडी के लिए, ठीक है, एक पार्टिकुलर बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ, यानी कि स्ट्रिक्ट रह जाते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, यानी कि एक बैलेंस वे में बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, क्यों सोचती है वो? अब ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिकी पूरी तरह से रिकवर्ड हो गया था, एक हार्ड मसल वाला एनिमल बन चुका था। सो जब उसने देखा वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे,
और उसने थैंकफुल वे में एक ग्रेटिट्यूड पे किया मिस्टर हैरियट को, उसको बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्जरी की ही ट्रियम्फ है, सर्जरी की ही जीत है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बेटा हमारे ये है कि व्हाई वर द हाउस होल्ड डॉग्स मोर इंटरेस्टेड इन ट्रिकी इनिशियली ना, तो शुरुआत शुरुआत में जो घर के दूसरे कुत्ते थे वो ट्रिकी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रिकी एक न्यू कमर डॉग था वहाँ पे। मोर ओवर वो लेथार्जिक था, बड़ा लेजी था, उनके साथ कोई गेम नहीं खेलता था, वो वॉज नॉट कम्फर्टेबल देयर, क्योंकि वो वहाँ पे कम्फर्टेबल नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी ट्रिकी ने उनके साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसने जो है कटोरों के साथ खेल का भी आनंद लेना शुरू कर दिया। ट्रैम्पल्ड ऑन स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट में वो क्या करता था, स्क्वैश का मतलब क्या होता है, कुचलता था किसको, मतलब फ्रेंडली फाइट करता था। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और इस तरह से उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। व्हाई वाज द एंटायर स्टाफ ऑफ मिसेस कॉम्फ्रे एट वर्क व्हाइल ट्रिकी वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल, भाई जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेके जा रहा था तो पूरा का पूरा जो स्टाफ था, वो कौन सा स्टाफ, मिसेस कॉम्फ्रे का जो स्टाफ था, वो सारा काम पे लग गया। क्यों? ट्रिकी वाज मिसेस कॉम्फ्रे बिलव्ड डॉग, ट्रिकी कौन था, मिसेस कॉम्फ्रे का प्यारा सा कुत्ता था, ठीक है। And when he was going to the hospital, और जब वो हॉस्पिटल में जा रहा था, the entire staff go to the work, उसका पूरा स्टाफ काम करने में लग गया। क्या काम करने में लग गया? उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसकी फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, उसके खाने के कटोरे सब लोड करने में लग गया नरेटर की कार में। What was the cause of Tricky's ailment? बीमारी का कारण क्या था? Tricky was overfed by Mrs. Pumphrey. उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता था। He became hugely fat. बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था इसे, और इनएक्टिव भी हो गया था, कोई एक्टिविटी नहीं करता था। He was pampered with a lot of cream cakes. उसको बहुत ज़्यादा क्रीम केक, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, ये सब चीज़ें देती थी, और यही उसका मेन कारण था। और एक और कारण, मोर ओवर ही वॉज वेरी ग्रीडी एंड ही कुड ईट एनी आवर ऑफ द डे, और वो दिन के किसी भी समय खाना खा सकता था। ये मेन प्रॉब्लम थी उस कुत्ते की। तो मिस्टर हैरियट ने क्या स्ट्रिक्ट एडवाइस दी, क्या मिसिज पम्फ्रे ने उस एडवाइस को माना? बट एक्सक्यूजेज डिड शी मेड? सो मिस्टर जो हैरियट था उसने स्ट्रिक्ट एडवाइस दिया कि एक तो इसके खाने को कम कर दो, टू कट डाउन द फूड, ठीक है, एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन मिसिज पम्फ्रे डिड नॉट हीड दिस एडवाइस, उसने कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया इस एडवाइस की तरह। उसने क्या सोचा कि ट्रिकी जो है वीक है, कमज़ोर हो चुका है, उसने उसको और ज़्यादा मात्रा में क्रीम केक, चॉकलेट देना शुरू कर दिया और एक्सरसाइज बिल्कुल उसकी कम कर दी, ठीक है। इस तरह से ट्रिकी और ज़्यादा बीमार हो गया। पार्टिंग सीन डिस्क्राइब करना, यानी कि जब जुदा हो रही है, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वो वाला सीन डिस्क्राइब करना है आपने। मिसिज पम्फ्रे वॉज वेलिंग, बेचारी रो रही है, सारा स्टाफ जो है इधर उधर भाग रहा है, जो घर की नौकरानियाँ हैं अंदर बाहर दौड़ रही हैं ताकि उसके बिस्तर, उसके कटोरे ला सके वहाँ पे डॉक्टर की कार में। When the doctor drove the car away, everybody was in the house was in tears. जब डॉक्टर उस कार को लेके गया तो घर में हर मेंबर क्या कर रहा था, रो रहा था। ये सिचुएशन थी। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर हिम बट वॉज द क्योर, मुझे पता है कैसे ठीक करना है, तो वो इलाज क्या था, ये कौन बोलता है, हमारा डॉक्टर बोलता है। इट वॉज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकी डाइट, ये इलाज था ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल करना। ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी फॉर टू डेज, दो दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ उसको पानी दिया, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं दी, उसको एक्सरसाइज करा, और इससे ट्रिकी क्या हो गया, पूरी तरह से एक्टिव हो गया। चैप्टर हमें शोज करता है सिली एंड नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ रिच पीपल लाइक मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे जैसे अमीर लोगों का उपेक्षा भरा और मूर्खता भरा व्यवहार दिखाते हैं, ठीक है, जो कि अपने नियर डियर वन को कभी कभी चोट भी पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। ट्रिकीज डिक्लाइन हेल्थ वॉज द आउटकम ऑफ मिसेस पम्फ्रेज ओवर केयरिंग नेचर, जो ट्रिकी बीमार हुआ है ये भी उसी का कारण है। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के एक्शन कभी कभी घातक भी सिद्ध हो जाते हैं, बट वैल्यूज यू सजेस्ट, ठीक है, आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करोगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मिसेस पम्फ्रे वॉज ए वेल्दी, यानी कि यहाँ पे हमने मिसेस पम्फ्रे का करेक्टर स्केच ही लिखना है। वो एक वेल्दी लेडी है, ठीक है, एक बड़ा सा भारी भरकम मोटा ताजा उसका कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। ट्रिकी उसको बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसीलिए उसकी एक्स्ट्रा केयर करती है, ठीक है। वो कुत्ते को हर आराम देती है, उसके हर मौसम के लिए अलग अलग कोट दे रखे हैं, उसकी कुशन कवर यानी कि गद्दे हैं, ठीक है, बहुत सारे खाने का सामान देती है। शी एक्सट्रिक्ट बिटवीन मील्स, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मील भी देती है, खाना तो अलग है यानी कि सुबह दोपहर शाम का खाना तो अलग, उसके साथ साथ उसको क्या देती है, और भी फूड देती है, जैसे उसको मॉल्ट देती है, कोड लिवर ऑयल देती है, ठीक है, बॉल्स ऑफ हॉर्लिक्स देती है,
ये सब उसको करती है उसकी हेल्थ को ज्यादा गेन करने के लिए. ओके, ही वॉज ऑल्सो गिवन क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, दिस मेड हिम फैट. और इतना ज्यादा खा पीते कुत्ता क्या हो गया, मोटा हो गया है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, मांस की तरह फूल गया है, उसकी आंखें ब्लड शॉट हो गई है, रूमी हो गई है, एक दिशा में ही घूमता रहता है, उसकी टंग की जीभ हमेशा लटकती रहती है. और ये हम सोचते हैं कि मिसेस पंपरे के एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर की वजह से हुआ है, ठीक है, जिससे प्रीति की हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है. इस तरह का एटीट्यूड किसी के लिए प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है. पटेल का मतलब क्या होता है, प्राण घातक, जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है. वन शुड नॉट ओवर केयर फॉर देम, किसी को भी हद से ज्यादा नहीं ओवर केयर करना चाहिए. एक्सरसाइज, प्रॉपर मील, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की हेल्थ के लिए. द सेम वॉज टेकन केयर बाय मिस्टर हैरेट. मिस्टर हैरेट ने यही तो किया था, जिससे क्या हुआ कि प्रीति की हेल्थ जल्दी से रिकवर होनी शुरू हो गई थी. तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस.